हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 8th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 सीबीएसई बोर्ड से क्वेश्चन 4। इसमें पूछा गया है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दोनों नंबरों के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है, वो भी 10। ठीक है, 10 फाइंड करने हैं बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं जो हमें चीज़ें सॉल्व करनी है। तो -2/5, ठीक है, एंड 1/2। तो पहले नीचे का यानी कि डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, एलसीएम पहले निकाल लेते हैं इसका। तो 5 2, तो 2 में से आ गई है, ठीक है, 2 में 5 नहीं आता है, 5 के 2 के टोटल 5 नहीं आता है, तो इसको जिस सेम उतार देंगे, 2 बन जाए 2। 2 के टोटल 5 नहीं, 3 में भी नहीं, 4 में भी नहीं, 5 के टोटल में आ सकता है, 5 बन जाए 5। तो कितना आ गया, 2 5 2 5 रे कितना हो गया, 10। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो अब ये जो 10 आया है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2, पहले ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 10, फिर मल्टीप्लाई करने से डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब अब जो डिनोमीटर 5 था उसकी जगह हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। क्यों लिखा गया, क्योंकि हमने एलसीएम इसका 10 निकाला है। उसके बाद ऊपर का हम -2 उतारेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, फिर 5 के टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, जो 10 आएगा, तो 5 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा, ये वाला, ठीक है, 1/2, तो नीचे लिखेंगे 10, बस उतारेंगे 1, मल्टीप्लाई का निशान साइन लिखेंगे, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 2 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो आपने देखा नीचे नीचे का हमने इक्वल किया है, 10 और 10 क्या है, तो इक्वल डिनोमीटर हमें करना ही पड़ेगा, तभी हम इसके, ठीक है, इन दोनों नंबरों के बीच में हम 10 रेशनल नंबर निकाल पाएंगे या 10 से ग्रेटर देन निकाल पाएंगे, कुछ ज़्यादा नंबर भी निकाल सकते हैं, बिना डिनोमीटर को सेम किए हुए इक्वल किए हम नहीं निकाल सकते। तो देखो 2 2 जगह 9 जगह 4, तो -4/10 आ जाएगा, ठीक, ये कितना आ जाएगा, 5/10। तो अब देखते हैं -4/10 एंड 5/10 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं। तो नीचे नीचे के तो डिनोमिनेटर सेम ही है, तो ऊपर का आप देखेंगे तो -4, फिर -3, यानी कि 5 तक हमें जाना है ना, तो -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, देन 5। तो इसके और इसके बीच में -4, ठीक है, -4 और 5 के बीच में कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आए। तो अगर ये 5 पूछा होता, ये 10 पूछा होता, तब तो हम इसमें से नंबर लिख देते, ये हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि इसने 10 पूछे हैं, तो हम इसको हम डबल कर देंगे, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी कि -4/10, ठीक है, उसके बाद एंड 5/10, मल्टीप्लाई 2, ठीक है, दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो उसका ट्वाइस होगा, दोगुना होगा, तो -4/10 इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 ऊपर, ठीक है, डोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 2 जा -8, 10 2 जा कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, ये हो गया आपका इस तरीके से। फिर उसके बाद दूसरी जो संख्या हमारे पास रह गई, दूसरे नंबर, यानी कि अब ये रह गया 5/10, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 2 जाएगा 10, और 10 2 जाए कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास दो चीज़ आ चुकी हैं, दो आंसर आ चुके हैं। तो अब हमें पता है कि -8 और 10 के बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, -8
माइनस का 8/20 माइनस का 7/20 माइनस का 6/20 माइनस का 5/20 माइनस का 4/20 माइनस का 3/20 माइनस का 2/20 उसके बाद माइनस का 1/20 ठीक है कितना हो गया ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 0/20 1/20 ठीक है 2/20 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ज़्यादा हो गया है ठीक है कोई बात हम लिख सकते हैं ठीक है वैसे हमें तो मिल चुका है 10 के बीच में ठीक है तो और लिख देते हैं ठीक है वैसे तो इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं 10/20 ठीक है इस तरीके से तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके यानी कि माइनस 8/20 ठीक है यानी इसके 10/20 के बीच में कितने नंबर आ गए 10 नंबर आप फाइंड कर लेंगे ठीक है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है यानी कि माइनस 2/20 एंड 1/20 के बीच में कितने नंबर है ठीक है ये पूरा और टोटली जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में ओके नमस्ते दोस्तों।